चलो एक मिनट के लिए आपको एक धुरंधर से मिलाता हूं, आप ही के आसपास के प्रदेश से है, आजा जल्दी से फटाफट। इससे बेहतरीन मोटिवेशन तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, और आप इनको मोटिवेशन के लिए कुछ बताओ, इनका कंफ्यूजन दूर करो, इनका डर दूर करो, इनको बताओ कि आपने जो क्या पढ़ा है और क्या वो आपके एग्जाम में आया, और कैसे आपको कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है, और पिछली बार पेपर कैसा आया, और ये दो तीन बातें इनको बताओ कि नालायक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा। जय हिंद ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्रिंस चंद्रा फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश। मैं आपका साथी हूं तो मैं ज्ञान व्यान तो दूंगा नहीं, थोड़ा आपको अपने जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि टीचर जो है, टीचर जो गाइडलाइंस आपको बताता है वो एक एक गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी और बस मेहनत करते आना, हार्ड वर्क, कुछ नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर जो आप जो भी टीचर आपको बताता है अगर वह उसे आप पूरी शिद्दत से फॉलो करते हो तो आप अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच जाओ। मैं इतना खास नहीं था, पर जब से मैं ऑनलाइन संजीव सर से पढ़ा था, इंग्लिश थोड़ी वीक थी, पिछली बार मेरे नंबर तो ज़्यादा थे, सेक्शनल कट ऑफ पास नहीं हो पाया था, पर मैंने संजीव सर पहली बार जब देखे थे तो मुझे बहुत मतलब समझ में आया था बहुत उनका, और मैंने वो पूरी फॉलो किया था, उनकी 12-12 घंटे की मैराथन एक ही एक भी देखी थी, पूरा देखा था, मतलब 12-12 घंटे तक एक भी एक फॉलो की थी सर, मैंने कंटिन्यू बैठे रहते सर, मुश्किल सिर्फ पानी पीने बस थोड़ा जो इमरजेंसी होती है उसके अलावा नहीं मैं बैठा रहता, सभी मिले जितने थे सर। पिछली बार सर मेरा इंग्लिश में थोड़ा हो नहीं पाया था, बस और सब में हो गया था, इंग्लिश थोड़ी वीक रही थी, हो जाती है सर किसी किसी, तो संजीव सर की वजह से मतलब उसमें सारे क्वेश्चन जमाना एजिटिज मिल गए थे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल, मैं उन अपने भाइयों को लेके आया संजीव सर से मिलाने के लिए, उनसे मिलो, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है इसी वजह से। मैं थैंक यू ऑल ऑफ यू। लड्डू लिया लिया है? पता नहीं है। वो दिन मैं छीन के लाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को, वो दिन मैं अपने नाम करके लाऊंगा जिस दिन मेरे कंधों पे सितारे होंगे, मैं भी दुनिया के सामने खड़ा होऊंगा और लोग मेरे दीवाने होंगे। मेहनत चाहे कितनी करनी पड़ जाए दोस्तों, एक ही बात याद रखना, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता जब लोग आपको जान रहे होते हैं। इस लड़के ने इतनी मेहनत की, अपने गांव का नाम रोशन किया, मां बाप का नाम रोशन किया, और आज अकेडमी के बाहर इनकी फोटो लगना स्टार्ट हो गई है, पूरा देहरादून, ना कि पूरा देहरादून, और जबकि अभी सेमिनार होगी तो इनको जानेंगे। यही इसी चीज के लिए मेहनत करना है। और उसने क्या कहा कि मैं 12 के 12 घंटे बैठा रहा, मैं हटा नहीं, पानी पीने के लिए उठा बस। तो ये मेहनत क्यों कर नहीं आती भाई साहब? और अभी तो मेहनत नहीं, 3 बजे तैयार रहना, पेपर खोपड़ी में छेद कर देंगे हम लोग। और सबसे अच्छी बात जो मैं सिखाता हूं अपने स्टूडेंट को, खुद बढ़ो दूसरों को बढ़ाओ, डोंट बी सेल्फिश, नेवर एवर कभी सेल्फिश नहीं होना। आज वो बच्चा अपने साथ कम से कम 6-7 बच्चों को लेके आया है, उन बच्चों को जिनको वो आगे बढ़ाना चाहता है, जहां जैसे वो पढ़ा, जैसे उसने सिलेक्शन लिया, उनको मोटिवेट कर रहा है, वो लगातार उनसे मोटिवेशन, उनके रूप में उनके लिए मोटिवेशन बना हुआ है। तो अभी उसे एकदम मिलना था, क्योंकि मैं तो सुबह से इधर ही रहता हूं, मैं जाता ही नहीं उधर, जहां एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मैं उधर कैंपस में जाता ही नहीं हूं, मैं इधर ही रहता हूं। तो इसीलिए मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं कि आप भी इस बच्चे की तरह, चंद्रा की तरह, आपको भी एक दिन यहां आना है और अपना नाम रोशन करना है और दिखाना है कि मैंने क्या किया। ठीक है, बाकी अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं बच्चे से बात करूंगा, बताएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे किस चीज के लिए, कि जीडी वगैरह में कैसे कैसे हुआ, अभी टाइम नहीं है, सॉल्यूशन करा देता हूं। ठीक है, अरे वाह भाई वाह वाह वाह, लो भाई आप बैठ जाइए।
लो तुम भी खाओ, लो चखो लड्डू का स्वाद, ये होती है। हमारे टीचर, हमारे जैसे टीचर की मेहनत ना, जो पैसा होता है मेहनत, ये होता है। रातों रात जागने के बाद, दिन रात खड़े होने के बाद ना, ये जो मेहनत होती है ना, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसकी वर्थ नहीं हो सकती। और एक टीचर इसी चीज के लिए जीता है। तो ध्यान रखना कि अगला जो समय है वो आप लोगों का।